आपका स्वागत है। प्रोडक्शन कंपनी की आड़ में प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस चला रहे हैं हॉलीवुड के एक दिग्गज फिल्म प्रोड्यूसर, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रोड्यूसर डिलन जॉर्डन को कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो काउंटी से गिरफ्तार किया गया है। डेडलाइन की एक रिपोर्ट में उन पर दर्ज किए गए केस के मुताबिक बताया गया है कि हॉलीवुड फिल्म निर्माता ने 2010 से मई 2017 तक उन महिलाओं को रोस्टर रखा हुआ था जो अमेरिका में रहती थीं और पैसे के बदले जॉर्डन के ग्राहकों के साथ शारीरिक संबंध बनाती थीं। जॉर्डन ने लंदन की एक महिला से भी संपर्क रखा हुआ था, जिनके साथ वह ग्राहकों और प्रोस्टिट्यूट से जुड़ी जानकारियां साझा किया करते थे। कोर्ट के कागजातों में महिला का नाम उजागर नहीं किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोड्यूसर जॉर्डन खुद इन प्रोस्टिट्यूट्स के लिए आने जाने का इंतजाम किया करते थे, फिर वह क्लाइंट्स को निर्देश दिया करते थे प्रोस्टिट्यूट्स के लिए अंतर्राज्यीय परिवहन का इंतजाम करें। बड़ी चालाकी से फीस लेते थे। प्रोस्टिट्यूशन के लिए ली जाने वाली फीस को वह मॉडलिंग, अपीयरेंस, कंसल्टिंग, मसाज थेरेपी या फिर हाउस पार्टी के लिए चार्ज गए पैसों में दिखाया करते थे। एक प्रेस रिलीज में यूएस अटॉर्नी ने अपनी दो बड़ी कंपनियों की आड़ में डिलन जॉर्डन के कई सालों तक के व्यापक प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाते रहे। लोगों को दिखाने के लिए वह फिल्म प्रोडक्शन कंपनी, इवेंट प्लानिंग और पार्टी प्लानिंग कंपनियां चलाया करते थे। कोर्ट ने डिलन को ये निर्देश, अटॉर्नी ने कहा कि अब पार्टी ओवर हो चुकी है और फिल्म की शूटिंग खत्म होती है। हालांकि अभी डिलन को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन उन्हें निर्देश दिया गया है कि वह इस केस के किसी भी गवाह या फिर पीड़ित रहे लोगों के साथ संपर्क नहीं करें। इसके अलावा कोर्ट ने उन्हें ये निर्देश भी दिया है कि वह किसी भी तरह के हथियार कोर्ट के सुपुर्द कर दें और किसी भी तरह की ड्रग्स का यूज ना करें। तो गाइस, क्या कहना है आपको जॉर्डन डिलन के लिए, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए बिग स्क्रीन।